एनसीबी पटना का सूचना और हमारे बड़ी बाजार का सूचना के आधार पर दिग्राम रेड की गई थी, जहाँ पे एक ट्रक में, छोटे ट्रक में जो है गांजा पकड़ा गया है और दारू पकड़ा गया है। दो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सदर थाने की पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त रूप से छापेमारी कर ट्रक 407 पर लोड 2.25 क्विंटल गांजा जब्त किया। उक्त ट्रक रेलवे घुमटी संख्या 97 स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बाहर खड़ा था। इस दौरान टीम ने दो तस्कर को भी दबोचा है। उसकी पहचान वैशाली जिला के बेलसा निवासी मोहम्मद तौशीर व मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। यह दोनों तस्कर जब्त गांजा की खेप को चोरी छुपे अन्य राज्यों में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से भेज रहे थे। एजेंसी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक विदेशी शराब की बोतल बरामद की है। पकड़ाए आरोपितों से पुलिस व एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि जब्त ट्रक डीटीओ में मोहम्मद तौशीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पटना क्षेत्रीय इकाई की टीम को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप को तस्कर अन्य राज्यों में खपाने की फिराक में है। इसके आधार पर एनसीबी ने सदर पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। टीम की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि खेप त्रिपुरा से मंगवाई गई थी, जिसको अन्य राज्यों में खपानी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ाए गांजा की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस दोनों तस्करों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों तस्करों से पूछताछ करने पर बेलसर के एक बड़ा धंधाबाज पप्पू यादव का नाम सामने आया है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 FIR होगी। दोनों तस्करों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी पटना का सूचना और बड़ी बाजार का सूचना के आधार पर दिग्राम रेड की गई थी, जहाँ पे एक ट्रक में, छोटे ट्रक में जो है गांजा पकड़ा गया है और दारू पकड़ा गया है। दो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सदर थाने की पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त रूप से छापेमारी कर ट्रक 407 पर लोड 2.25 क्विंटल गांजा जब्त किया। उक्त ट्रक रेलवे घुमटी संख्या 97 स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बाहर खड़ा था। इस दौरान टीम ने दो तस्कर को भी दबोचा है। उसकी पहचान वैशाली जिला के बेलसा निवासी मोहम्मद तौशीर व मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। यह दोनों तस्कर जब्त गांजा की खेप को चोरी छुपे अन्य राज्यों में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से भेज रहे थे। एजेंसी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक विदेशी शराब की बोतल बरामद की है। पकड़ाए आरोपितों से पुलिस व एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि जब्त ट्रक डीटीओ में मोहम्मद तौशीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पटना क्षेत्रीय इकाई की टीम को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप को तस्कर अन्य राज्यों में खपाने की फिराक में है। इसके आधार पर एनसीबी ने सदर पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। टीम की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि खेप त्रिपुरा से मंगवाई गई थी, जिसको अन्य राज्यों में खपानी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ाए गांजा की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस दोनों तस्करों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों तस्करों से पूछताछ करने पर बेलसर के एक बड़ा धंधाबाज पप्पू यादव का नाम सामने आया है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 FIR होगी। दोनों तस्करों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।